अच्छा तो मैडम यहाँ बैठी हैं। तुम्हें याद है ना, 2 रोज बाद तुम्हारी अपॉइंटमेंट है। भाई मुझसे ज्यादा तो तुम्हें याद है। याद रखना पड़ता है, तुम अपने बारे में इतनी केयरलेस जो। जब आस पास इतना केयर करने वाले लोग हों तो इंसान केयरलेस हो ही जाता है। डॉक्टर असमा मिली थी मुझे, उन्होंने रिमाइंड करवाया मुझे आज। अच्छा ये बातें छोड़ो, तुम मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मुझसे क्या? तुम्हें शहीर कैसा लगता है? ये कैसा सवाल है? तुम्हारा देवर है, तुम्हें अजीज है, तो इस लिहाज से मेरी भी अहमियत रखता है। सिर्फ इसीलिए? क्या और पठान सवाल कर रही हो? मेरी तरफ देखो। क्या हो गया हानिया, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तो तुमसे हर बात शेयर करती हूँ, मुझे लगता है तुम मुझसे शेयर ही नहीं करना चाहती। ऐसी कोई बात नहीं हानिया। तुम्हें बता क्यों नहीं रही तुम्हारे दिल में क्या है? मैं जानती हूँ कि तुम्हें शहीद पसंद है। मेरे पसंद करने से क्या होता है हानिया? मैं जानती हूँ वो अभी तक नौरीन को नहीं भूला है। ऐसा कुछ नहीं है फातिमा, वो भूल चुका है उसे। वो तो नौरीन का नाम तक नहीं सुनना चाहता। मैंने खुद उससे बात की है, ये तो तुमसे पूछ रही हूँ। वाकई? या तो फिर मैं हाँ समझू?